लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी कब शपथ ली और आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखाएंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 9 जून 2024 आज ही वो तारीख है जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी उसी अंदाज में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं जैसा 2014-2019 में लिया। इस शपथ के साथ ही वो लगातार तीसरी बार इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाल चुके हैं। मोदी 23 सालों में अब तक 6 बार शपथ ले चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार, प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार शपथ ली जा चुकी है। आज वो 7वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र 51 साल थी। उन्होंने केशु भाई की जगह ली थी। 22 दिसंबर 2002 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 25 दिसंबर 2007 को तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 26 दिसंबर 2012 को चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इसके बाद देश में एक बड़ा बदलाव आया। गुजरात के मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। साल 2014 में उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। 26 मई 2014 को मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। 64 साल की उम्र में मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 30 मई 2019 को मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज 9 जून को लगातार तीसरी बार मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज देश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। वाराणसी से सांसद चुने गए मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी की लगातार तीसरी बार ताजपोशी भी अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। 1962 के बाद ये पहली बार होगा जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। फिलहाल तो सभी को उस वक्त का इंतजार है जब मोदी कहेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, और फिर वो एक बार पीएम पद की कमान अपने हाथों में संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।